नोव्हेंबर महिन्यात सगळ्यांचे इंटरव्ह्यूज घेत असतो आणि आज आपल्या बरोबर आहे मनस्विनी लता रवींद्र, हाय. हु चूजेस टू यूज हाय हाय आय थिंक वी हॅव अ लॅग हियर. सो मनस्विनी चूजेस टू यूज हर पेरेंट्स नेम इन्स्टेड ऑफ द सरनेम. बट बिफोर वी गेट इन टू दॅट, I'm going to quickly introduce you to as to what all she does. She's a screenplay writer and director, and she wrote her first play at the age of 20, Cigarettes Navaza, right? Oh. Yes, बरोबर है. और उन्होंने बाकी काफी बहुत सारे फेमस शोज लिखे हैं, जैसे दिल दोस्ती दुनियादारी, एका लग्नाची दुसरी गोष्ट, विच हैव बीन ऑन झी मराठी, विच इज अ व्हेरी फेमस रीजनल मराठी चॅनल. शी हैज रिटन मूवीज लाइक ती सध्या काय करते, कच्चा लिंबू अँड बनमस्का, विच वॉज अ शो अगेन, अ टीव्ही सिरियल. अँड शी इज अ रेसिपियंट ऑफ साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार. So yes, she has accomplished a lot in her field, and today we are going to interview her as an epilepsy warrior. So Manasvini, to begin with, what is the reason behind you using your parents' name rather than the surname? Are you comfortable answering? Yeah, totally. But it was not by choice, like it was not my choice. एक्चुअली माझे मेरे मम्मी पापा दोनों ने भी उनका नाम चेंज किया शादी के बाद, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अपने मम्मी का नाम नहीं होता है, हमेशा नाम में सिर्फ फादर का ही नाम, फादर का ही सरनेम होता है. सो दे चोज टू एलिमिनेट द सरनेम एंड दे इंस्टेड दे स्टार्टेड पुटिंग देयर मदर एंड फादर्स नेम. एंड व्हेन आई वॉज बॉर्न दे गेव देयर नेम टू मी. And after my marriage also, I kept it like that because I think I actually believe in that. So मैंने उसके बाद कुछ change नहीं किया, ऐसे ही रहने दिया नाम. It is like a very forward thinking, you know, the मुझे खूब पर जैसे हम कहते हैं बहुत ज़्यादा forward thinking है ये कि हम हमेशा शादी के बाद पति का नाम लेते हैं, so why not हम दोनों नाम change करें. So now we come. नहीं वही होता है ना कि जनरली मम्मी इतना हमें बढ़ाने में मम्मी का इतना बड़ा हाथ होता है, लेकिन मम्मी का नाम कहीं नहीं होता है. अभी अभी लीगल डॉक्यूमेंट्स में मम्मी का नाम आने लगा है, लेकिन पहले वो भी नहीं रहता था. सो यू हैव एपिलेप्सी. या एट व्हाट एज वर यू डायग्नोस्ड? आपकी उम्र कितनी थी जब ये डायग्नोस हुआ? When I was in fourth standard, कुछ 9-10 साल की, 8-9 साल की मैं थी. सो तब ऐसे हुआ कि वंस आई वॉज इन द स्कूल एंड आई जस्ट आई हैव डिफरेंट काइंड ऑफ एपिलिप्सी. इट्स क्लोनिक टोनिक एपिलिप्सी. सो इट इज लाइक यू डोंट हैव फिट्स, बट एक्चुअली उसमें आपका कॉन्शियसनेस चला जाता है कुछ सेकेंड्स के लिए या मिनट्स के लिए, और अगेन यू कम बैक. सो इट इज लाइक सो नोबडी कुड अंडरस्टैंड कि ये क्या हो. हाँ, तो मैं एक दिन स्कूल में ऐसी गिर गई, और गिर गई मतलब यहाँ बैठी थी डेस्क पे और ऐसी मैं सो गई, ऐसे लोगों को लगा और टीचर को लगा कि मैं सो गई हूँ. तो वो आई, उन्होंने देखा कि मैं अनकॉन्शियस हूँ, तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को फोन किया, फिर मैं नॉर्मल हो गई और फिर ये बार बार होने लगा. और आफ्टर अ पॉइंट ऐसे हो गया कि ऑलमोस्ट मुझे दिन में 60-70 बार ऐसे होता था, और मुझे फिर सब बंद करना पड़ा. हाँ, 16 या 60, लाइक 60 बार, मतलब 50-60 बार मैं दिन में कहीं भी गिर जाती थी, या फिर मुझे बहुत संभालना पड़ता था क्योंकि मैं कभी भी गिर जाती थी और कहीं भी गिर जाती थी. मुझे समझ में आता था कि मेरा जा रहा है कॉन्शियसनेस, तो मैं बुलाती थी कि आई ऐसा. आई यूज टू कॉल माई मदर, बट इट वॉज नॉट वे लाइक इट वॉज नॉट इन माई हैंड. सो वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, तो मेरे मम्मी पापा ऑब्वियसली बहुत वरीड हुए और मुझे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेके जाने लगे, और वो किसी को पता ही नहीं चल रहा था कि ये एपिलिप्टिक है.
तो एपिलिप्सी का होगा ऐसे समझ में नहीं आ रहा था। तो एक बार तो मुझे मम्मी पापा ने पूछा, तुम जानबूझ के तो नहीं करती हो ये, तुम जानबूझ के तो नहीं कर रही हो अटेंशन सीकिंग के लिए, क्योंकि वो भी उन्हें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। क्या हो रहा है? पर उसके बाद फिर डॉक्टर आनंद नाडकर्णी के यहाँ मुझे लेके गए थे, तो उन्होंने ये जाना कि ये एपिलिप्सी का है, और फिर मेरा ईजी और सिटी स्कैन और ये सब किया, और फिर समझ में आया कि ये एपिलिप्सी है। सो फॉर द तो व्यूअर्स हु डू नॉट नो, मिस्टर आनंद नाडकर्णी, एक्चुअली डॉक्टर आनंद नाडकर्णी, ये इंडिया या में, इंडिया के बहुत वन ऑफ द बिगेस्ट साइकाइट्रिस्ट है, और ये बच्चों के लिए गाइडेंस काउंसलिंग, नॉट ओनली चिल्ड्रन बट ये सबके लिए गाइडेंस काउंसलिंग करते हैं, एंड दिस इंस्टीट्यूशन कॉल्ड IPH, दैट इज इंडियन साइकोलॉजिकल हेल्थ, वर्क्स टुवर्ड्स द मेंटल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ ऑफ द पीपल। सो मनस्विनी, आपके पेरेंट्स पहले से बहुत ज्यादा फॉरवर्ड थिंकिंग थे कंपेयर टू जैसे कि आपने पहले कहा, एंड दे या आर एक्टिविस्ट, या वो खुद या एक्टिविस्ट भी है, लाइक योर मॉम हैज वर्क फॉर नर्मदा बचाओ आंदोलन, योर फादर स्टिल वर्क्स आई थिंक फॉर फीमेल अगेंस्ट फीमेल फीटिसाइड एंड एवरीथिंग। सो पीसीपी एंड डीटी एक्ट जो ऐसी हुआ उसमें दोनों भी बहुत या एक्टिव थे। सो उनका बहुत ज्यादा हाथ था व्हेन इट केम टू डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, एंड आई या होप या आई विल बी मीटिंग देम लेटर ऑन बिकॉज़ ऑफ यू एनीवे, बट हाँ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो जैसे कि आपने कहा स्टार्टिंग में लगा, उनको भी लगा कि लाइक आप अटेंशन सीक कर, लेकिन जब पता चला कि नहीं आपको एपिलेप्सी है और आपको जो सीजर्स आ रहे हैं वो टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स है, ये जब पता चला तब उनकी रिएक्शन क्या थी? बहुत ज्यादा वरीड हुए थे वो। मुझे जितना याद है कि वो मुझे बहुत ज्यादा संभालते थे, मतलब अभी भी मेरी मम्मी बहुत प्रोटेक्टिव है, तो मैं कुछ भी बोलती हूँ ना, मेरा क्या पीठ दुख रही है, तो उसे डर लगने लगता है कि क्या हो गया क्या हो गया। तो मैं उस पर बहुत गुस्सा होती थी कि ऐसे कि तुम क्यों करती हो। तो एक दिन उसने कहा कि जब तुम छोटी थी तो जब ये शुरू हुआ तब से मैं इतनी प्रोटेक्टिव हो गई ना, मुझे बहुत डर लगता था कि अरे कहीं भी गिर जाएगी कुछ हो जाएगा, तो इतना डर लगता था कि मैं वो तुम्हें नहीं बता सकती थी, लेकिन वो अपने आप मेरे नेचर में आ गया। तो वैसे उस वक्त वो बहुत वरीड हुए, और उसके बाद ऐसे हुआ कि मेरा सब बंद हो गया। मैं डांस क्लास जाती थी, मैं स्विमिंग सीखती थी, कराटे सीखती थी, सब बंद हो गया। पहली रिएक्शन ये हो गई कि ये सब जो फिजिकल एक्टिविटीज है, ज्यादा बाहर जाना है, वो बंद हो गया। पर मेरे मम्मी पापा काफी मतलब वैसे उन्होंने मुझे वो कभी दिखने नहीं दिया, मतलब ये बंद हुआ, लेकिन उन्होंने फिर, मैं सितार सीख रही थी इंस्टेड, या फिर आई यूज टू लाइक बाकी ये जो बहुत फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो गई, लेकिन डांस मैं ड्राइंग्स करने लगी। फिर मैं घर में बहुत ज्यादा रहती थी, तो फिर मैं पढ़ने लगी, काफी बुक्स पढ़ने लगी। तो मुझे लगता है कि एक वो कॉम्पनसेट हो गया, फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, लेकिन दूसरी चीजें मुझे उन्होंने दी जो मैं कर सकती थी, तो ये बहुत उन्होंने फिजिकल अच्छी बात की। फिजिकल की जगह एथलेटिक एक्टिविटीज, एथलेटिक एक्टिविटीज, क्योंकि ड्राइंग में फिजिकल एक्टिविटी हाँ, है, बुक्स एथलेटिक बंद हो गए। एक्टिविटीज। जी, सो हाँ आप सिर्फ 8 या 9, फोर्थ स्टैंडर्ड मतलब 9 साल के होते हैं नो, बच्चे, हाँ 8 9 साल के, तो आपको बताया गया तभी कि आपको एपिलेप्सी है, या फिर आपको बताया ही नहीं, एंड हाउ नहीं, डिड यू कम टू नो? नहीं मुझे बताया गया, मतलब वो रिपोर्ट्स आए तब उन्होंने मुझे ऐसे, मतलब उसका कुछ ऐसे बड़ा कुछ किया नहीं गया, मुझे तो वो इतना बड़ा है ये भी पता ही नहीं चला। पूरा मेरा ये जो जब तक था तब तक मुझे ये पता नहीं चला कि ये इतनी बड़ी बात है। इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ऐसे होता है, जैसे कुछ बच्चों को क्या दूसरा कुछ हो जाता है, या फिर ऐसे वैसे मुझे वो अस्थमा लगता होता है था, किसी को। अस्थमा होता है, या ऐसे कुछ जनरल किसी को कुछ कुछ कंडीशंस होती है, वैसे मुझे एक कंडीशन है, ऐसे मुझे लगता था। और एक्चुअली मेरे मतलब ऐसे कोई नहीं था जिसको ऐसे कुछ है मेरे बगल में, पर फिर फैमिली भी में मुझे उस फैमिली में या ऐसे कोई कोई भी नहीं था, तो मैं ही फर्स्ट थी ऐसे मुझे लगता है। पर
पर फिर भी उन्होंने उसका कभी ऐसे बड़ा नहीं किया उसे कि अरे ये बहुत बड़ी बीमारी है, कुछ अजीब बात है तुम्हारे साथ, ऐसे कुछ नहीं किया। और वो बीमारी है ऐसे भी नहीं ट्रीट किया, जो कि बीमारी है ही नहीं, ये कंडीशन नहीं है, नहीं और वो कंडीशन की एग्जैक्टली तरह ही उन्होंने ट्रीट किया। तो मुझे लगता है ये अच्छी बात हुई कि मुझे वो रियलाइज ही नहीं हुआ एक्चुअली। और फिर ये आपको कब रियलाइज हुआ कि ओ माय गॉड आई यूज्ड टू हैव दैट? व्हेन डिड यू रियलाइज दैट इट वाज लाइक यू नो व्हाटएवर आई यूज्ड टू एक्सपीरियंस लाइक 60 एंड 70 सीजर्स इज अ लॉट. पर वो इट्स जब से मैंने अ दवाई देना शुरू किया तो वो बहुत कम हो गई, मतलब फर्स्ट 1-2 ईयर्स में वो डायरेक्टली 20-10 ऐसे हो गई, और पर उसके बाद डे तो फिर पर डे 10 तक हो जाता, 10-10 बार तो ऐसे होता ही था। फिर धीरे धीरे वो पूरा कम हो गया, 2-3 बार मुझे दिन में ऐसे होने लगा, और फिर वो रुक गया। लेकिन वो ऐसे होता था कि दवाई का अगर टाइमिंग चूक जाता है मिस या हो ऐसे कुछ जाता होता है है. तो वो फिर से शुरू होता था, और फिर वो फिर से जोर से आता था, ऐसे एक ऐसे होता था क्यों। और लेकिन मुझे थोड़ी सी, जब मैं बड़ी हुई, मतलब मैं जब 8th 9th में थी और मेरी स्कूल चेंज हो गई और हमने घर भी चेंज किया, तो मेरा जो सराउंडिंग था 8th में वो पूरा चेंज हो गया। तो उस वक्त मुझे पता चला कि अरे ये थोड़ा सा कुछ अलग है। और स्पेशली जब मैं कॉलेज में गई तो तब तक क्या हुआ कि मैं बहुत सिक्योर्ड, मेरे अगल बगल में जो लोग थे वो लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया था, जो भी है वो उसके साथ एक्सेप्ट किया था। मेरे मम्मी पापा के भी जो दोस्त आते थे उन्हें भी मालूम था। लेकिन जब मैं कॉलेज में गई तो क्या होता है ना, रिफ्लेक्सेस बहुत स्लो हो जाते हैं दवाइयों के वजह से, और इससे तो बाकी लोग मुझे इतने चिढ़ाते थे ना, मैं जिस तरीके से बात करती हूँ, मेरा कोई ऐसे मस्ती कर रहा है तो मैं जल्दी से पीछे नहीं होती थी, मैं ऐसी रह जाती थी। तो वो चीजें जो है वो मुझे बहुत, ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, बहुत ऐसे किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन इस बात पे मुझे इतना चिढ़ाया गया कॉलेज लाइफ में कि उस वक्त मुझे पहली बार कॉम्प्लेक्स आया, जबकि मुझे सीजर्स नहीं आती थी तब तब मैं काफी कंट्रोल में था सब। तो सीजर्स आप कॉलेज में जब बैठती थी तब सीजर्स नहीं आते थे आपको, लेकिन फिर भी नहीं बिकॉज हमें इतने मेडिसिन दिए जाते हैं पहले से, हमारे इट्स न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन से रिलेटेड ये कंडीशन है, डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से आपको चिढ़ाया गया, बुलिंग जिसे कहते हैं, एक तरीके से ये बुलिंग ही हो हाँ गया. तो बहुत ही। और बहुत हाँ, एग्जैक्टली जिसकी वजह से. बट सो हाउ डिड यू हैंडल दिस बुलिंग, व्हिच इज व्हाट आई वांट टू नो. बिकॉज आजकल के बच्चे, हमारे टाइम में इतना भी बुलिंग नहीं हुआ करता था जितना अभी होता है. एंड आई गेट दिस अभी क्वेश्चन आस्क अ लॉट ऑफ टाइम कि हाउ डू यू हैंडल दिस बुलिंग. सो प्लीज कैन यू जस्ट टेल द किड्स ऑफ टुडे दैट हाउ डिड यू हैंडल दैट बुलिंग? पहली बार पहले पहले जब ये होता था तो मैं जनरली यही रिएक्ट होती थी कि अरे ये ऐसे नहीं है, मैं ऐसे नहीं हूँ, और जनरली अपना ऐसा था ये पीयर ग्रुप में मुझे भी लो, मुझे भी तुम लोगों में लेना, लो मुझे भी एक, जस्ट आई वांट टू शामिल बिकम पार्ट करो. ऑफ योर ग्रुप। हाँ तो यू हैव, और वो एक्सेप्टेंस जब नहीं आता और हर बार चिढ़ाया जाता है तो ऑब्वियसली मॉरल डाउन हो जाता है थोड़ा सा। लेकिन जब मैं, और मैं तो उसके बाद थिएटर का ट्रेनिंग ले रही थी, आई वाज स्टडिंग एट ललित कला केंद्र, और मैं थिएटर में बीए कर रही थी, तो वहां पे तो फिजिकल एक्टिविटीज होती है, प्ले में काम करना है, तो एक्टिंग के वक्त तो वो बहुत होता था कि ये बहुत स्लो बोलती है, इसके एक्शंस बहुत स्लो है, तो इससे एक्चुअली ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये चीजें बहुत होती थी। पर धीरे धीरे मुझे ऐसे, उस वजह से एक अच्छी बात ये हुई कि मैं, मुझे समझ में आया कि ठीक है, अगर मैं इसमें नहीं कर पा रही हूँ या यहाँ पे मुझे बुलिंग हो रहा है तो मुझे किसी एक चीज में कोई और चीज ऐसी करनी पड़ेगी, या वो जानबूझ के किया ऐसे नहीं, कि जहाँ पे मुझे कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो उस वजह से ऐसे हुआ कि जब मैं ऑलरेडी कविता करती थी, मैं राइटिंग थोड़ा बहुत करती थी, लेकिन मैं जब पढ़ रही थी तो मैं थियरी में और इतर चीज अलग, बाकी जो चीजें थी उसमें मैं काफी अच्छी थी बाकी सब लोगों से, अच्छे म्हणजे मतलब जिथे एकेडमिक्स में। आपल्याला एका ठिकाणी जर हाँ आपली कमतरता आहे असं तुम्हाला वाटायला लागलं तेव्हा मग तुम्ही ठरवलं की नाही हे आपल्याला जर जमत हाँ नाहीये
आपल्याला जर छिडवलं जात ह्या गोष्टीवरून, तर मी अशी कुठली तरी गोष्ट करणार आहे. जसं लिखाण, मी लिखाणात खूप मग कॉन्सन्ट्रेट करायला लागलात. पण हा लिखाणाचा जो किडा होता तो लहानपणीपासूनच होता का की नाही आता हे नाही तर मग मी ते करून दाखवणार ह्या जिद्दी थ्रू हा किडा आला? नाही तसं नाही झालं. मी लहान असल्यापासून लिहायचे, म्हणजे मी कविता करायचे आणि मला तसं आवड, म्हणजे आपोआपच ते व्हायचं की अरे शब्दांशी खेळायला आवडायचं. सो ऐसे होता था की मैं जनरली मुझे अच्छा लगता था पढ़ना या फिर कुछ लिखना, ये मुझ में था. लेकिन जब मैं ललित कला केंद्र में थी तब मुझे ऐसे लगा कि ये फोकस इस पे करना चाहिए, मतलब राइटिंग पे नहीं, डायरेक्शन पे, बैक स्टेज पे. मैं लाइट्स करती थी ना प्लेज के, तो ये उस वक्त कोई भी लड़की हमारे इसमें नहीं थी जो लाइट्स करती है प्ले के, तो वो ऑब्वियसली ऐसे हो गया कि ठीक है लाइट्स करना है तो फिर इसको ही लेना पड़ेगा, ये ऑन स्टेज नहीं कर सकती लेकिन लाइट्स करना है तो इसको ही लेना पड़ेगा. ये जो एक चीज हो जाती है ना, या फिर कुछ क्वेरीज है तो नहीं, नहीं मनस्विनी को पूछते हैं क्योंकि उसे मालूम होगा, ये उसने पढ़ा होगा, ऐसी चीजें फिर धीरे धीरे होने लगी. मैं बहुत पढ़ाई करती थी ऐसे नहीं था, लेकिन फिर भी एक धीरे धीरे, और ये जानबूझ के नहीं किया मैंने, ये अपने आप होते गया कि ठीक है ना ये नहीं हो रहा है तो मैं ये धीरे ये मुझे अच्छा लग रहा है मैं ये करती हूँ. मुझे किसी को दिखाना नहीं था कि मुझे ये करके ही दिखाना है. और राइटिंग का ऐसे हुआ कि वो पार्ट ऑफ माय लाइफ ऐसे था, और जो एक मुझे टाइम मिला ना बचपन में कि मैं जब अकेली रहती थी और मेरे मम्मी पापा दोनों काम पे चले जाते थे और घर में मैं बहुत बार अकेली रहती थी और या फिर क्रेश में रहती थी, तो उस वक्त बाकी सब बच्चे जब खेल रहे हैं और मैं सिर्फ बैठी हूँ, तो उस वक्त मुझे बहुत चीजें इमेजिन करने के लिए टाइम मिला. मतलब मैं देखती थी कि अरे पेड़ पे कोई चिड़िया है, फिर वहां पे एक कौवे ने उस चिड़िया को मारा और लेके गया, या ऐसी जो बहुत माइन्यूट माइन्यूट चीजें होती है उस पे ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत बढ़ गया. मैं इतनी चीजें देखती थी ना, तो उसके वजह से मुझे लगता है कि राइटिंग में अभी भी मुझे उस चीज का बहुत मतलब ये होता है, फायदा होता है, हेल्प होती है. Because your observational skills got so developed since you were all alone and everything. So, aapne ek baat kahi regarding you used to take care of the lights when it came to theater, when you were doing your bachelor's in theater. Now, as an actor, jab lights mere upar aati hai, ya phir, you know, strobe lights hoti hai, especially while doing the play. नॉर्मली ठीक है सीरियल्स या मूवीज में यू कैन आस्क द डीओपी कि प्लीज सर त्रास होता है नहीं हो रहा है तो दे लिसन, बट व्हाइल ऑन स्टेज मुझे बड़ा अनकंफर्टेबल होता है लाइक कभी कभार. तो आप जब ऑपरेट कर रही थी तब हाउ डिड यू लाइक डिड यू लाइक हैव दिस इन माइंड, हाउ डिड यू गो अबाउट इट? Or it was basically one kind of skill, or it's a part of theater, it's very essential part of theater. जैसे DOP फिल्म में होता है वैसे लाइट डिजाइनर इज इन द थिएटर, कि आपको क्या दिखाना है, कहाँ का दिखाना है, ये लाइट डिजाइनर तय करती है. तो बेसिकली उसमें मुझे एग्जैक्टली सिमिलर ऐसे ये था कि जब मैं स्टेज पे खड़ी रहती थी तो मुझे ऐसे लगता था किसी ने मुझे देखना नहीं चाहिए, मैं कहीं छुप जाऊं, मुझे कहीं पे छुपा दो किसी के पीछे, ऐसे मुझे लगता था. पर जब मैं लाइट रूम में रहती थी और मैं किसी पे लाइट डाल रही हूँ तो दैट फीलिंग वॉज वेरी नाइस कि अरे मैं किसी को दिखा पा रही हूँ, यू नो. सो आई थिंक दैट रियली वर्क. एंड दैट टाइम आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे मालूम नहीं कि एग्जैक्ट क्या वर्क हुआ, लेकिन मुझे वो बहुत थ्रिलिंग लगता था कि आप लाइट एडजस्ट कर रहे हो और फिर ये चीजें जो है वो मुझे काफी थ्रिल करती थी. सो माय क्वेश्चन वाज कि ऑडियो एंड मतलब विजुअल सेंसरी से भी सीजर्स ट्रिगर होती है, ऑडियो एंड विजुअल सेंसरी सीजर्स जिनको होती है उनको. For me, मुझे directly seizures नहीं आते, but I get very uncomfortable and it takes about 2 to 3 seconds for me to recover from that. So आप जब अभी directly जब light आती है theater पे तो 2 seconds जैसे कि
पता नहीं चलता ऑडियंस को, क्योंकि हम चीट करना सीख गए कि आगे के लोगों को ना समझ जाए। पर जब आप लाइट डालती थी तब आप तो देख ही रही थी, तो तभी आपको कभी मतलब आपके सीजर्स, आपकी एपिलेप्सी ऑडियो विजुअल सेंसरी है या थी, या आपको कुछ ये नहीं होता था? इट वाज लाइक अ नॉर्मल मुझे पर्सन। वो पता नहीं चला तब, मुझे अभी हम लोग बात कर रहे हैं या फिर उसके बाद जब कभी ये किया तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें ऐसे होती थी जैसे मैं ऑन स्टेज काम ना कर पाने की भी शायद ये रीजंस होंगे, या फिर कि थोड़ा सा जो सिर्फ बॉडीली कॉन्शियसनेस या फिर लोग चिढ़ा रहे हैं ऐसे नहीं होता है, जो एक एटमॉस्फियर है, एक डार्कनेस है, लाइट्स का कंसंट्रेशन लाइट्स है, तो एक्सट्रीम जब चीजें हो जाती है तो एक डिसकंफर्ट होता है या फिर डर लगने लगता है कि मैं, और वो जो डर है बचपन का कि मैं यहाँ गिर गई तो, मैं स्टेज पे गिर गई तो, ये जो डर है ना उसके वजह से मैं कहीं बैक स्टेज पे गिर गई तो ठीक है चार हो जाएगा इतना कुछ प्रॉब्लम, लेकिन स्टेज पे गिर गई तो क्या होगा, ये जो डर था शायद ये चीजें मुझे थी जो सबकॉन्शियसली होती है, जानबूझ के तो हमें पता नहीं चलता कि ये उस वक्त नहीं होता, थोड़ा सा बाद में हम जब सोचते हैं तो लगता है कि शायद ये चीजें थी जो वर्क होती बैक थी, ऑफ द मतलब माइंड। बैक ऑफ द माइंड। मनस्विनी, इंडस्ट्री में हमारे सिंस लाइक यू नो मराठी इंडस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो बहुत ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि आपको एपिलेप्सी है, लेकिन ऐसी भी बात नहीं है कि आपने वो छिपाया है। इट्स नॉट एज इफ यू आर हिडन द फैक्ट दैट यू हैव एपिलेप्सी, बट नॉट एवरीवन नोज अबाउट इट। सो वाज दिस अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम योर साइड दैट आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, या फिर मैं किसी को सिर्फ बताने वाली हूँ? एंड आई थिंक फ्रॉम आफ्टर दिस इंटरव्यू मेनी पीपल आर गोइंग टू नो दैट यू हैव एपिलेप्सी। सो वाज इट अ कॉन्शियस डिसीजन फ्रॉम योर साइड कि मैं खुद जाके नहीं बताने वाली, या फिर वो मेरी प्राइवेट लाइफ है, मैं प्राइवेट रखूंगी, प्रोफेशनल प्रोफेशनल रखूंगी? नहीं, बेसिकली जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने कुछ नजदीक के दोस्तों को, हमारे टीचर्स को बता के रखा था, क्योंकि अगर ऐसे कुछ होता है तो, और तब वो पूरा खत्म नहीं हुआ था, जस्ट मेरी दवाइयाँ धीरे धीरे कम होके बंद होने के प्रोसेस में थी, तो वो पूरा रुका नहीं था, इसके वजह से उस वक्त बताया था। लेकिन उसके बाद फिर जब हम लोग हर किसी को वो बताने की मुझे लगता है जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मतलब जो जिस तरीके का मैं काम करती हूँ तो मैं मोस्टली घर में बैठ के काम करती हूँ, और अगर मैं मीटिंग्स के लिए जाती हूँ, प्रोफेशनल रिलेशनशिप जहाँ पे है, तो मुझे लगता है वो हमें हर किसी को बताने की जरूरत नहीं है, पर जरूरत मुझे अगर कोई पूछता है तो मैं उस बात को, मुझे छिपाना अच्छा नहीं लगता, मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई शर्मनाक चीज तो है नहीं, ये तो एक कंडीशन है, इसके साथ ही जीना है, तो ये मुझे इसमें अरे बाप रे ये नहीं मैं बताऊंगी ऐसे कुछ है नहीं। और मैंने ऑलमोस्ट मतलब कुछ लोगों को मालूम है, लेकिन अभी धीरे धीरे जो मेरा सर्कल बढ़ता गया तो उनको इतना नहीं मालूम, कि क्योंकि वो आपका सर्कल भी बहुत बढ़ता जाता है ना, हर किसी को जो बहुत क्लोज एग्जैक्टली फ्रेंड होते हैं उनको मालूम होता है, तो ऐसे। लाइक बिकॉज यू आर अ बिग नेम व्हेन इट कम्स टू द मराठी इंडस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू द राइटर्स। इट्स नॉट एज इफ लाइक यू नो मनस्विनी रविंद्र कौन है ये कोई जानता ही नहीं, ऐसी बात तो है नहीं। यू आर अ वेरी फेमस राइटर एंड ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन हैज बीन अ हिट। हर एक चीज जो आपने अभी तक लिखी है, टच वुड एंड इट कंटिन्यूज, has been amazing work, has been very modern work and has been a hit. But हर एक को ऐसे पता नहीं था, which is why. So आप ये conscious decision था आपका कि नहीं मैं नहीं बताऊंगी तो नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर सामने वाले ने ऐसे पूछा नहीं तो ही मैं बताऊंगी? था। हाँ मतलब एक पॉइंट के बाद मुझे, क्योंकि मैं सीजर फ्री हो गई ना, तो उसके वजह से भी हुआ होगा कि धीरे धीरे मेरा डर भी कम होता गया, मैंने खुद पे भी मतलब जैसे मैं पहले बात करती थी तो धीरे धीरे मेरी बात करने का भी थोड़ा सा ये बदल गया, या फिर उस पे काम भी किया मैंने काफी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो जो है कि इन चीजों की वजह से मुझे जज ना करे कोई, तो वो उस पे भी धीरे धीरे कुछ चीजें बदलती गई, तो उसके बाद वो जरूरत नहीं रही बताने की, लेकिन अगर जहां पे जरूरत होती है तो मैं बताती हूँ, ऐसे रहा अब तक।
आप अभी सीजर फ्री है, सो हाउ मेनी इयर्स हैज इट बीन सिंस यू हैव बीन सीजर फ्री? कितने साल हो गए आप सीजर फ्री होके? काफी हो गया आई गेस. मुझे लास्ट ये हुआ था फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, जब मैं बीए में थी. उसके बाद फिर हुआ नहीं. तो अभी मैं मतलब मैं जब व्हेन यू वर 18 लाइक 18 20? 19 तो ऑलमोस्ट हाँ मतलब 18 इयर्स हुए हैं. ऑलमोस्ट 18 ऑलमोस्ट. 19 इयर्स. हाँ कंग्रेचुलेशंस, कंग्रेचुलेशंस. थैंक यू. सो यू हैव बीन तो सीजर फ्री फॉर द पास्ट 18 to 19 years, बट डू यू स्टिल टेक एनी एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स और आर यू नो ड्रग फ्री एज वेल? ड्रग फ्री. या यू आर वो ड्रग धीरे फ्री धीरे एज वेल? डॉक्टर. या मुझे उसके बाद कुछ हुआ नहीं ज्यादा ऐसे. पर मुझे लगता है कि उसके ना कुछ छोटे से एलिमेंट्स रह जाते हैं, जैसे सपने आना. बहुत सपने आते हैं मुझे, मतलब इतने सपने आते हैं. और सपनों में मैं बहुत रेस्टलेस रहती हूँ, या फिर मैं बहुत बार ऐसे उछलती हूँ सपनों में. तो मुझे लगता है ये उसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स रह गए हैं मेरे साथ. पर ऐसी कुछ चीजें सो होती आर है. दोस, आई एम सॉरी आई एम कटिंग यू, बट हाँ आप झटका देके उठती है, माने आर दोस नॉक्टर्नल सीजर्स दैट यू एक्सपीरियंस और इज जस्ट एंजाइटी और नाइटमेयर? आई डोंट नो. मैंने चेक नहीं किया है ये, क्योंकि ये रेगुलरली होता है. पर मुझे लगता नहीं कि एग्जैक्टली सीजर्स होंगे या नहीं. मुझे मैंने कभी चेक नहीं किया, क्योंकि दिन में तो मुझे कभी वैसे होता नहीं है. पर नहीं, ये नॉक्टर्नल रेगुलर सीजर्स. सो फॉर द ऑडियंस, मैंने पहले भी कहा है नॉक्टर्नल सीजर्स के बारे में. नॉक्टर्नल सीजर्स आर द सीजर्स जो रात को जब हम सोते हैं तभी आते हैं, और हम जब उसमें उठते हाँ. हैं जर्क से उठ जाते हैं बिकॉज ऑफ द सीजर्स. सो दोज आर नॉक्टर्नल सीजर्स, सो नॉट नेसेसरी दैट यू विल अंडरस्टैंड वेदर दे आर और दे आर नॉट. सो आई थिंक मनस्विनी यू शुड गेट चेक्ड वंस मोर. आई जस्ट होप इट्स जस्ट एंग्जायटी, नहीं फिंगर होगा तो अच्छा है. क्रॉस्ड. नो. So I just think it's your writer's imagination which goes all over and आपको सपने आते हो. तो मैंने बहुत बार ना, काफी बार ऐसे होता है कि लोगों को लोग हमेशा ये सवाल पूछते हैं कि हाउ डू वी टेल आवर फ्रेंड्स, कि हम ये कैसे बताएं उनको कि भाई बताना चाहते हैं जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनको लोग बताना चाहते हैं, पर वो टॉपिक कैसे छेड़े कैसे बताएं ये समझ में नहीं आता. सो हाउ डू यू ब्रेक दिस न्यूज टू द क्लोज पीपल? मुझे शुरुआत में मतलब जैसे मेरे जो काफी बहुत तब के जो पुराने दोस्त हैं उनको जब मैंने बताया था, तो तब वो बहुत रिसेंट था. तो उस वक्त मुझे बताने में इतना प्रॉब्लम हुआ भी नहीं. और उन्होंने मुझे देखा था कई बार. मतलब मेरी जो दोस्त है जो मेरे साथ कॉलेज में थी, क्या 11th 12th में, तो उसने मुझे देखा था. मैं उसके साथ हूँ और हम लोग अगर थिएटर में एक बार गए थे प्ले ये देखने, फिल्म देखने, और मुझे वैसे हुआ तो उसे वो पता था. उसके बाद वो मुझे संभालती थी, मैं उसके साथ ही रहती थी ज्यादातर, तो वो मुझे संभालती थी. उसके बाद भी जब मैं मेरे हस्बैंड से मिली, तो उसे भी मैंने बताया था. तो उसने भी वो बहुत हेल्दीली लिया, कभी प्रॉब्लम नहीं आया. लेकिन अभी जब मैं फिर से कभी किसी से जो बहुत क्लोज नहीं है और जिन्होंने ये सब देखा नहीं है, तो उनसे जब बात करती हूँ, और बहुत काफी सेंसिटिव लोग भी, जो एक मैं बीच में हमारा जब सेमिनार हुआ था उसके बाद एक दोस्त से बात की, तो उसे मालूम नहीं था. तो उसने पूछा, तो मैंने कहा कि ऐसे. उसने कहा हाँ मैंने वो न्यूज़ पढ़ी थी, कुछ तुम ऑटिज्म था तुम्हें ना. तो मैंने कहा नहीं. तो ये जो है ना कि एक बहुत जनरलाइजेशन जो होता है ना, कि सब सेम है, ऑटिज्म है, एपिलेप्सी है, सब सेम है. तो वो मुझे बहुत तकलीफदायक लगता है कि अरे यार ये क्या है. मतलब एटलीस्ट पीपल हु आर सेंसिबल, दे शुडंट हैव से दिस काइंड ऑफ थिंग्स, एटलीस्ट ऐसे मुझे लगता है. यू नो बिकॉज पीपल विद ऑटिज्म हैव एपिलेप्सी, लाइक मेनी या पीपल हु हैव बराबर ऑटिज्म हैव एपिलेप्सी. लेकिन काफी लोगों को ये भी लगता है कि डिप्रेशन और एपिलेप्सी भी सेम है.
सेम है। हाँ, इट्स अ मेंटल इलनेस, ऐसे भी हाँ, कई लोग लोग बोलते हैं। बोलते हैं कि लाइक एपिलेप्सी और डिप्रेशन तो सेम ही है ना, तो फिर दो अलग अलग चीजों के बारे में आप क्यों बात कर रहे हैं? ऐसे भी होता है काफी बार। होता है, एक बार ऐसे भी हुआ था कि किसी ने बोला था, फिर साइकियाट्रिस्ट के पास तुम जाती हो क्या? तो मैंने नहीं, मतलब जा सकते हैं, लेकिन वो अलग जाना ही चीज है। के लिए है, मतलब वो क्योंकि इसमें से जो ट्रॉमा होता है हमें, या फिर जिस तरीके से वर्ल्ड जिस तरीके से आपको एक्सेप्ट नहीं करता है, उससे एक तरीके का आइसोलेशन आ जाता है, तो उसके लिए आप साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट की हेल्प लेना ये अलग बात है, लेकिन वो जनरलाइज जो किया जाता है ना, वो बहुत डेंजरस है, ऐसे मुझे लगता है कभी कभी। Yes, as you said, your husband accepted it as well, and he was okay with it. And you met him after you became seizure free. आपको सीजर्स तभी नहीं आते थे जब आप अपने हस्बैंड से मिले। तो फिर आपने उनको कैसे समझाया कि देख, मुझे ये सब हुआ करता था, अभी नहीं है? लाइक आपने कैसे समझाया? क्योंकि बहुत लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हम समझाएं कैसे। बहुत लोग मतलब बात छेड़ना चाहते हैं, पर समझ में नहीं आता कि कैसे करें। तो आपने कैसे किया? मुझे लगता है इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आप किसी से प्यार करते हैं, या कोई नजदीकी आपके दोस्त हैं, कोई भी है, मतलब फ्रेंड सर्कल में जो क्लोज है आपके, उनसे बात करने में हमें शर्म नहीं आनी चाहिए, क्योंकि हम जैसे हैं वैसे उन्हें एक्सेप्ट हो तो ही अच्छा है। अगर उन्हें नहीं एक्सेप्ट, तो हमें ये जान लेना चाहिए कि नहीं, ये शायद इतने नजदीकी दोस्त हैं नहीं अपने, तो हम उसी वक्त उनसे एक चाहिए तो डिस्टेंस ले सकते हैं। लेकिन जिनके बारे में हमें एक्चुअल में एक तरीके का भरोसा है कह सकते हैं, तो उनसे बात करने में हमने झिझकना नहीं चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। मतलब बेसिकली क्योंकि ये कोई हमने मैं खून करके आई हूँ और मुझे कहने में शर्म आ रही है, ऐसी बात बिल्कुल, नहीं क्राइम है, तो ये नहीं एक है पार्ट ये, ऑफ, हाँ, क्राइम क्राइम नहीं है ये, नहीं है ये, कोई गुनाह और इसमें नहीं है किसी की कि गलती भी नहीं है। मतलब मैं बहुत स्मोकिंग कर रही हूँ और मुझे कैंसर हुआ तो मुझे शर्म आएगी कहने को, तो ठीक है, लेकिन ऐसे भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें। तो मुझे लगता है कि इस वजह से उसके बारे में बिल्कुल शर्माना नहीं चाहिए, उसके बारे में बहुत जितना हम लोग हेल्दीली बताएंगे ना, और उस कहते वक्त भी हमें शर्म नहीं आनी चाहिए कि ऐसे ऐसे था, फिर ऐसे भी नहीं होना चाहिए। जैसे मतलब अभी जिस तरीके से लड़के लड़कियां कि उनके एक्स गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बारे में बताते हैं, वैसे ये अपना एक एक्स था या थी, ऐसा सोचना चाहिए कि ये मेरा एक एक्स था, उसके साथ एक रिलेशन हुआ तो पार्ट वो है, ऐसे इतना देखना इतना नॉर्मलाइज करके उसे देखना चाहिए और वैसे बताना चाहिए, ऐसे चाहिए। मुझे लगता है। कॉशनरी नोट टू ऑल द ऑडियंस, स्मोकिंग करने से ही कैंसर होता है, ऐसा उनका कहना नहीं था, वो बस नहीं एक है, बिल्कुल एग्जाम्पल नहीं है। दे रही थी। हाँ, वो ये हाँ खाली एक एग्जाम्पल दे रही थी। तो आप ऐसे मत समझिए कि स्मोकिंग करने से ही कैंसर होता है, या स्मोकिंग करने की वो एनकरेज करिए या डिस्करेज करिए, ऐसा कुछ नहीं था। एक सिंपल सा उनका एक एग्जाम्पल था, तो वो प्लीज हाँ लाइटली लीजिए, सीरियसली ना ले। अच्छा, तो हाँ, उससे ये कैंसर होता ही है, कहना इसको पड़ कैंसर तो, हाँ, लेट्स जस्ट चेंज इट। गब, आजकल किसी के कुछ भी हाँ, लेके किसी की भी भावनाएं दुखती है, सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। We spoke about how his reaction was. It was very like he accepted it कि हाँ, ये तुम्हारा पास था and ये सब है। So before we go towards like this is the last stage of our interview कि जैसे कि आपने पहले भी ये बात कही कि डिप्रेशन से लेके एंग्जायटी, पैनिक अटैक, ऑटिज्म, एपिलेप्सी, मेंटली चैलेंज, ये सब कुछ नॉर्मल लोग ना एक क्लब कर देते हैं और सबको एक ही छाया इसमें डाल देते हैं। लाइक एस्थमा भी उसमें कभी कभी आ जाता है। सो लाइक अच्छा, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है, सीजर में मतलब आपको एस्थमा है, ऐसे भी लोग कहते हैं। तो हमारे विच इज वेरी फनी एट टाइम्स।
एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का ये या इन जनरल हमारे मूवीज में, हमारे प्लेज में, हिंदी हो, मराठी हो, कोई भी प्ले हो, इन इंडिया एपिलेप्सी हैजंट बीन रिप्रेजेंटेड इन अ करेक्ट वे. बहुत बार ऐसे दिखाया गया है कि अ मेंटली चैलेंज्ड पर्सन, उनको फिट आती है, जो वर्ड फिट कहा जाता है, लाइक वी प्रेफर द वर्ड सीजर, सो वो आती है. बढ़िया तो मत या सो इट्स नॉट एपिलेप्सी, इट्स बिकॉज दे आर मेंटली चैलेंज्ड, इसलिए उनको ऐसे हो रहा है. या फिर भूत प्रेत ने, पिशाच ने उनको पजेस किया है, इसलिए उनको सीजर्स आ रहे हैं. तो ऐसे भी होता है जिसकी वजह से और ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी, लाइक लास्ट ईयर आई हैड इंटरव्यूड दिस गर्ल, पढ़े लिखे लोगों को भी ये मूवीज देख के ऐसे लगने लगता है कि नहीं, ये शायद भूत पिशाच या किसी ने बाधा वाधा हो चुकी है, जिसकी वजह से इनको कन्वर्जन आ रहे हैं, मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं. तो एज अ प्ले राइट, एज अ स्क्रीन राइटर, डू यू थिंक यू विल बी राइटिंग समथिंग एंड रिप्रेजेंटिंग एपिलेप्सी एनी टाइम इन द फ्यूचर? व्हाट या डू आई यू वुड थिंक? इज लव इट अ टू, गुड मतलब सब्जेक्ट? या इट इज वेरी गुड सब्जेक्ट. और इसे मुझे लगता है कि इसे ट्रॉमेटाइज करके नहीं देखना चाहिए, उसे थोड़ा सा लाइटर वेन से देखना चाहिए. और मैंने जैसे कहा कि उसे एक पार्ट ऑफ लाइफ जैसे और सेलिब्रेशन के तरह तरह से अगर हम देखेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जैसे मैंने कि कैंसर पे अगर मूवी है तो हम उसे देखते हैं तो उसे जिस तरीके से बहुत इंस्पिरेशन कई बार ऐसा मिलती दिखाया है. जाता है कि जितना लाइफ है उतना हम खुल के जिएंगे, तो हम वैसी मूवीज देखते हैं, हम इंस्पायर भी होते हैं. लेकिन एपिलिप्सी को लेके ऐसे कुछ कभी आया नहीं है, और बहुत बहुत ही बुरी तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ हम देखते हैं हिंदी फिल्मों में. और टेलीविजन में तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ दिखाया ही नहीं है कभी, नहीं, और एक दो बार खाली ऐसे खाली हुआ भी था, होटल. एक दो बार ऐसे हुआ भी था कि मैंने कैरेक्टराइजेशन में लिखा था कि एक लड़की को ऐसे ऐसे हुआ होता है, तो नहीं, हमें ना कुछ निगेटिव नहीं दिखाना है, ऐसे मुझे रिएक्शन आई है. तो मुझे ऐसे लगता है कि आप क्या क्या दिखाते हो निगेटिव, मतलब एक क्या 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 नहीं होता है टेलीविजन में, नागिन भी होती है, वो दंश भी करती है, कुछ भी होता है, पर ये नहीं दिखाना है, बहुत अजीब है. तो मुझे लगता है सेंसर डेफिनेटली मुझे ऐसे कुछ लिखने बहुत अच्छा लगेगा अगर ऐसे कुछ मुझे लिखने को मिलता है तो, और उसे प्रोड्यूसर भी मिले या फिर उसे उस तरीके का. मुझे लगता है अभी धीरे धीरे ना अवेयरनेस भी बढ़ रहा है सभी तरीके के कंडीशंस के बारे में, या हेल्थ के बारे में जो अवेयरनेस है वो बहुत बढ़ रहा है. या फिर नेक्स्ट जनरेशन जो हम देखते हैं जो अभी अभी 20s में है, तो वो ज्यादातर फिटनेस के बारे में बहुत अवेयर है, तो ये बहुत अच्छी बात है ऐसे मुझे लगता है. तो ये भी चीजें अगर हम न्यू जनरेशन से को लेके बात करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि जो अभी 50s के ऊपर हैं उनको अभी हम समझाने जाएंगे तो उनके ऑलरेडी आइडियाज फिक्स्ड हैं, और उन्होंने ये सब सोच के रखा है कि ये किसी की करनी है या फिर कुछ मेंटल इलनेस है एनीवे कुछ. दे तो हैव मुझे रीच्ड दैट एज वेयर दे डोंट दे आर लाइक ठीक है बाबा छोड़ो ना, हमें बची हुई जिंदगी जीनी है. हाँ, तो मुझे लगता है कि उसके बारे में थोड़ा सा कॉन्शियसली ये करना चाहिए कि यंग जनरेशन को इन्वॉल्व करके इस तरीके का कुछ सब्जेक्ट लेके करना चाहिए. तो मैं भी सोच रही हूँ ऐसा कुछ करने का. बीच में भी हम लोगों ने बात की थी तभी भी सोचा था कि ऐसे कुछ करेंगे, तो मुझे लगता है ये भी सीरियसली लेके कुछ करना चाहिए, क्योंकि ये राइट टाइम है, दिस इज अ वेरी गुड टाइम कि कुछ नए सब्जेक्ट्स आए. यस, बिकॉज ऑडियंसेस आर ऑल्सो वेरी रिसेप्टिव नाउ टुवर्ड्स डिफरेंट आइडियाज. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस नॉट राइट नाउ इन द मीटिंग, बट आई वुड लव टू टेल ऑल द ऑडियंस एज वेल, एंड दैट वी शुड कॉन्ग्रेचुलेट इंडिया आर ओन सेल्फ, बिकॉज फाइनली फाइनली पीपल विद एपिलेप्सी आर अलाउड टू हैव अ मेडिकल इंश्योरेंस, जो कि पहले नहीं था. इस साल फाइनली
mental disorders and epilepsy has been included in certain medical insurance companies and policies. Good. So it's a small win for us. We should just pat our own back. So Manaswini, any parting words before we end this? Any parting words for the youth? Anything for the next generation? Not for the generations that have gone, not for us, but the youth of this country who will be watching this. I think ये जो अभी का जो एरा है, हम कह सकते हैं, वो बहुत तरह की विविधताओं को क्या कहते हैं, इम्ब्रेस कर रहा है. अलग अलग, मतलब LGBTQ का जो भी ये है, या फिर हर तरह का जो है, उसमें एक एक्सेप्टेंस आ गया है कि ग्रुप में कोई एक कोई है जो ट्रांसजेंडर है, कोई गे है, तो ये बहुत एक्सेप्टेंस उसके बारे में जैसे आ गया है, वैसे ही हमें एपिलेप्सी के बारे में भी अवेयरनेस आना चाहिए. ऐसे मुझे लगता है कि ठीक है, किसी को कभी सीजर्स आती है तो ठीक है, हम चार दोस्त है उसके साथ, तो उसे हम उसके वजह से वो कहीं घूमने ना जा पाए, ऐसे नहीं होना चाहिए. उसे लेके हम जाएंगे और हम उसकी जिम्मेदारी लेंगे, ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए हर किसी में. तो मुझे लगता है कि ये जो डर जिनको एपिलेप्सी है उनके मन में होता है कि मैं कैसे मिक्स हो पाऊंगा या पाऊंगी, या फिर मैं कहीं मुझे घूमने जाना होगा तो मैं कैसे जाऊंगी. तो मैं और मेरे हस्बैंड ने कुछ साल पहले लेह लद्दाख की ट्रिप की थी, और तब मैंने डॉक्टर से कंसल्ट भी किया था कि मैं जा सकती हूँ या नहीं. अभी तो मुझे कुछ हुआ नहीं है, लेकिन इतना एक्सट्रीम वेदर चेंज होगा, तो उन्होंने कहा था कि तुम जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वो मैं करके आई और मुझे इतना अच्छा लगा. मुझे लगा कि इतने साल मैं खुद को कितना बंद करके रख रही थी, कि मुझे कितने सारे कॉम्प्लेक्सेस आ गए थे जो इतना जरूरी नहीं था. तो मुझे लगता है कि नॉर्मल, जो नॉर्मल, अगर ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं तो अपना लाइफ भी नॉर्मलाइज हो सकता है. तो मुझे लगता है इस तरीके से बाकी भी जो लोग हैं जिनको नहीं है एपिलेप्सी, उन्होंने भी ये जानना चाहिए कि ये एक अपने साथ एक बंदा है, बंदी है, जो ठीक है उसे सीजर्स आते हैं, तो इतना उसे एक्सेप्टेंस मिलना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है. That day is going to come soon. Yeah. But anything Marathi, tula apla Marathi viewers na sangala avadet. Kahi kuthle. Mala. नाही, मला हेच वाटतं की कुठल्याही फील्ड मधली, म्हणजे कुठलंही फील्ड हे तुम्ही कोणालाही कुठल्या एपिलेप्सीमुळे तुम्हाला रोखून ठेवू शकत नाही. प्रत्येक फील्ड मध्ये आपण जाऊ शकतो आणि त्याची भीती बाळगायचं कारण नाहीये. आणि मला असं वाटतं की या, म्हणजे लिखाणाकडनं किंवा मीडियामध्ये सुद्धा याचं रिप्रेझेंटेशन लवकरच येईल आणि यायला हवं असं मला वाटतं. थँक्यू सो मच मनस्वनी, इट वॉज लवली चॅटिंग विथ यू, अँड We will, I'll be in touch with you very soon regarding that script and a producer and everything. Sare, yes, nakki. Okay, thank you. Thanks a lot. No, thank you for accepting this interview. Last year we couldn't do it, but this year we are here. Last year, yeah. Maza pay fracture zala hota magchya varshi. आणि तेव्हा लिटरली जाणं भेटावं लागायचं, आता सगळं सोपं झालंय. लास्ट इयर असं नव्हतं की कोरोनाने सगळ्यांना आता कसं हे केलेलं आहे की भेटायची गरज नाहीये. ओके, घरी बसून आपण सगळे जण हे करूया. सो टू एव्हरीवन एल्स, थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस. स्टे स्ट्रॉंग, कीप फाइटिंग, अँड एज ऑलवेज स्टे हॅपी. यस, थँक्यू. Bye. And accept epilepsy. Yes, accept epilepsy.